एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने के लिए जाओ तो ऐसा लगता कि वह हमारा ही रास्ता देख रहा हो। हर विषय पर बात करने में उसे बड़ा मजा आता था। कई बार उससे कहा कि भाई देर हो जाती है, चाट जल्दी लगा दिया करो, लेकिन उसकी बात खत्म ही नहीं होती थी। एक दिन अचानक उसके साथ मेरी कर्म और भाग्य पर बात शुरू हो गई। तकदीर और तदबीर की बात सुनकर मैंने सोचा कि चलो आज उसकी फिलॉसफी ही देख लेते हैं। मैंने उससे एक सवाल पूछ लिया। मेरा सवाल उस चाट वाले से था कि आदमी मेहनत से आगे बढ़ता है या भाग्य से। वो चाट वाला मेरे से कहने लगा कि आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा। मैंने कहा हाँ है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना। तो उस चाट वाले ने मेरे से कहा कि उस लॉकर की चाबियां ही इस सवाल का सही जवाब है। हर लॉकर की दो चाबियां होती हैं, एक आपके पास होती है और एक बैंक के मैनेजर के पास होती है। आपके पास जो चाबी है वह है परिश्रम की चाबी और मैनेजर के पास भाग्य वाली चाबी है। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती, लॉकर का ताला नहीं खुल सकता। आप कर्मयोगी पुरुष हैं और मैनेजर भगवान। आपको अपनी चाबी भी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आपकी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी ना लगा पाए और ताला खुलने से रह जाए। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।